एनसीआर टी बेस्ड आते हैं पूरा कोर्स हम ऑलरेडी एनसीआरटी का करा चुके हैं छह वीडियो में पूरा कोर्स है उसको यदि आप देख लेंगे उसके बाहर से एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर सेवेंटी सिक्स से प्रश्न कह रहा है कि सुषमा कहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील जो है वो बनाया जाए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं बताना है आपको कौन सा सही होगा पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए यह आपसे पूछा गया है तो पहला है कक्षा में बहस आयोजित करना दूसरा है आपका समूह चर्चा तीसरा है आपका पोस्टर बनाना और चौथा है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना तो कौन सी ऐसा करने की सबसे बढ़िया रणनीति होगी यह आपको बताना है तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना यह आपका सबसे अच्छा तरीका होगा यदि आपको पेड़ों के संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील या छात्रों को संवेदनशील जो है वो बनाना है और बाकी बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है समूह चर्चा से आप संवेदनशील नहीं बना सकते क्योंकि वो चीज महसूस नहीं करेंगे और पोस्टर बनाने से भी वो चीज महसूस नहीं करेंगे चौथा वाला आपका ऑप्शन सबसे अच्छा होगा ऐसा करने से बच्चे जो हैं उनके द्वारा जो कार्य होगा उसमें वो इंटरेस्ट भी लेंगे रुचिपूर्ण होगा और इससे ये भी प्रभावी होगा जो आप करना चाह रहे हैं वो है संवेदनशीलता अगला प्रश्न सेवन देखते हैं कि अभय जो है उसने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग जो है वो पीड़ित थे इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है यह आपको बताना है पहला कह रहा है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया दूसरा कह रहा है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली तीसरा कह रहा है कि इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया और चौथा कह रहा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे तो बताना है आपको कि कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है किसके लिए प्रासंगिक नहीं है जो पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया किसके बारे में उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था जो आस पड़ोस में लोग पीड़ित हैं उसके संदर्भ में पूछा गया तो प्रश्न आपने समझ लिया बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा जूम आउट भी मैंने कर दिया ताकि एक साथ चारों ऑप्शन आप जो है वो देख पाए तो चलिए बात करते हैं आंसर की तो हम यहां पर यह देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प सही हैं तो देखिए अभय ने क्या कहा किया उसने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने या कराने से समुदाय और जो बच्चे हैं उनको भी उन बीमारियों को समझने में मदद मिली उससे क्या हुआ उसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान किया यानी पहला तो आपका बिल्कुल सही है इतना ही नहीं आप क्या कहेंगे बच्चों को वास्तविक जीवन जो है उसके साथ सीखने भी में भी मदद मिली दूसरा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है फिर साथ ही साथ जब बच्चे उस बीमारियों से संपर्क में आ रहे हैं तो उन बीमारियों को समझने में भी तो मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे तो चौथा भी सही है पर तीसरा वाला यहाँ पर गलत है और यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा जो कि पूछा गया था प्रासंगिक नहीं है तो इनसे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया आपका सही नहीं है प्रश्न देखते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे ध्यान से प्रश्न को समझते चलिएगा क्योंकि इतना लेंदी जो प्रश्न होता है वो देखने में आपको लेंदी लग रहा है पर ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो आप प्रश्न के आंसर को एक ही बार में टिक कर लेंगे तो आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा उसके संदर्भ में पूछा बच्चों ने आग बिजली के झटके सड़क दुर्घटनाओं के साथ जो अपने अनुभव थे वो सुनाए उन्होंने प्रश्न पूछे उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा जो विज्ञापन निकलते रहते हैं जैसे जो संसाधन है उनका यूज करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशा आग और बिजली के झटके जो है उन पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर भी चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है ये आपको बताना है प्रिया यहाँ पर शिक्षक है और बच्चों को इन सभी चीजों के बारे में यानी कि जो आपातकालीन परिस्थिति उनके बारे में समझा रही है अब चार ऑप्शन यहाँ पर हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण बताना है आपको कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से आपको ऑप्शन तीसरा वाला अन्वेषण दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण जो ये है आपका इसमें तो क्या होता है तो आप कहेंगे अन्वेषण जो दृष्टिकोण है इस क्रम में सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको जानने के लिए विभिन्न समाचार पत्र हो गए अनुभव हो गए उनके माध्यम से सुरक्षा तकनीकों के उपयोग को समझाया जाता है और दूसरों को भी इसके बारे में बताया जाता है तो यही सारी चीजें इसमें हुई है तो अधिगम संसाधन है, है। यह सस्ता और सुलभ है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है है आपको कौन सा सही होगा कौन तो सर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो है वो वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है क्या समुदाय और देखते भी हैं इसीलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में आस पड़ोस हो गया पारिवारिक परिवेश हो गया समुदाय हो गया इन सबको शामिल किया जाता है जिससे बच्चे अनुभव ग्रहण करते हैं प्रेरित होते हैं उनका मानसिक विकास होता है तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं तीसरा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा अस्सी प्रश्न कह रहा है कि ईवीएम शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है ईवीएस को लेकर कहा गया है ईवीएस जानते हैं आप इन्वायरमेंटल साइंस को कहते हैं या पर्यावरण को कहते हैं पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना बताना है आपको कि जो ईवीएस शिक्षण अधिगम है उसमें कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य होता है तो बात करते हैं चलिए आंसर की तो आपका पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि ई जो है ये आपका शिक्षण अधिगम में जो कक्षा है उसमें प्राप्त जो भी अधिगम होता है जो भी आप सीखते हैं उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य तो होता है और इसी को तो हम कहेंगे कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना बाहर जाना या कह सकते हैं बाहरी जीवन से जोड़कर देखना देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 81 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा तीन जो है उसके छात्रों को रमा ने सिखाया कि जो पिता हैं, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं यह आपको बताना है इंग्लिश में भी आप प्रश्न जो है वो पढ़ सकते हैं तो पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि परिवार की परिभाषा गलत है दूसरा कह रहा है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है तीसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है और चौथा कह रहा है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी जो है वो नहीं है ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है ये भी आपके प्रश्न मन में आएगा क्यूं? क्यों क्योंकि कक्षा में अलग अलग सोच और क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं इसलिए जो समावेशी शिक्षण है उसको अपनाया जाना चाहिए यहाँ पर बात की गई है विस्तारित परिवार के संदर्भ में तो इसके संदर्भ में यही सही होगा बाकी आप कहेंगे परिवार की परिभाषा गलत है तो ऐसा नहीं है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो इतना कुछ समझ के ही तो कह रही है और परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए ऐसा भी नहीं है अलग अलग भी तरीके अपनाए जाते हैं तो तीसरा वाला यहाँ पर सही होगा अगला प्रश्न एटी टू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियाँ हैं चित्र पढ़ना फील्ड भ्रमण श्याम पट का उपयोग या उपरुक्त सभी बताना है आपको ईवीएस की क्लासरूम में इनमें से कौन सी गतिविधि है तो ऑप्शन में से कौन सा तो सही होगा बात करते हैं आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा EBS कक्षा में आप देखते हैं चित्र पढ़ना जो है वो हो गया या श्यामपट का उपयोग हो गया या फील्ड भ्रमण हो गया उदाहरण देकर समझाना हो गया ये सब चीजें जो है गतिविधियों में ही आती हैं तो आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं टी थ्री कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण जो है वो बन सकता है यदि यह है एकीकृत समावेशी विषयगत या उपयुक्त सभी तो इस प्रकार से चार ऑप्शन बताना है, है आपको कौन सा सही होगा

अगला प्रश्न 84 कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक जो है उसमें सपेरो पर एक अध्याय है आपको पता है मैंने पढ़ाया भी था इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक बन करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरो के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे जो हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है या फिर कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है तो आपको बताना है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक जो है उसमें सपेरों पर एक अध्याय है इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा तो ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कि सपेरे जो है सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा और उन्हें अपनी जो आजीविका है उससे वंचित करने से पहले उन सपेरे जो है उनके लिए विकल्पों को अलग से प्रदान करने की आवश्यकता है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो मेन जो जागरूक करने को लेकर यहां पर लिखा गया ना तो यही रीजन का हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं टी प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है और ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है पहले ही ऑप्शन में आपके लिए काट देता हूं दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है तीसरा कह रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं चौथा कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है तो बर्बाद भी बिल्कुल नहीं करता है तो दो और तीन में से आपको छाटना है देखिए मैंने दो ऑप्शन भी आपके लिए कम कर दिए तो चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा इसमें से ऑप्शन कटेगा तीसरा वाला गलत है कि उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है इसी टाइप के वर्ड जो है आपको पकड़ने होते हैं यदि आपको कभी ना समझ में आ रहा हो तो आप देखेंगे कहीं अवसर लिखा होता है प्रोत्साहित लिखा होता है जो कि आपको आंसर को टिक करने में हेल्प करते हैं एट्टी सिक्स प्रश्न आपका कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है स्कूल बैग का कम वजन ईवीएस पाठ्यपुस्तक जो है उसमें अध्यायों की कम संख्या अबोध का भार कम करने की जरूरत है या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है इस प्रकार से चार ऑप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा तो इसके संदर्भ में शिक्षा बिना बोझ के सारी चीजें आपको मैंने डीएलएड के लेवल पर पढ़ाई भी थी बात करते हैं चलिए फिर आंसर की तो बोझ के बिना सीखना का मतलब होता है स्कूल बैग जो है उसका कम वजन यही पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कम वजन से मतलब है कि बच्चों पर अनुचित दबाव ना पड़े पाठ्य जो भी सामग्री है जितनी जरूरत हो उतनी ही लेकर जाए उतना ही पढ़ाई हो इसीलिए देखिए स्कूलों में बनाने लाइब्रेरी बनाने के लिए भी बीच में बात हुई थी तो ये सारी चीज़ें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 87 प्रश्न देखते हैं कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है लड़के और लडकियां अलग अलग सीख सकते हैं कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनको अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना या फिर सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना या फिर छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना तो बताना है आपको ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन तो वन टू थ्री फोर में से आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना देखिए इस टाइप के वर्ड की मैंने बात की कि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं छात्र सक्षम बन रहे हैं तो ये सब भी पॉजिटिव जो आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहे हैं ये आपको आंसर को टिक करने में हेल्प करते हैं अगला प्रश्न 88 एट कह रहा है कि बाला जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या हो गया अच्छा प्रश्न है तो जल्दी से बताइए इधर इंग्लिश में फुल फॉर्म दे रखी है इधर हिंदी में दे रखी हैं तो जो भी आपको आती है आपको बताना है और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा आपको डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए अच्छे अच्छे प्रश्न है हैं वो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इस टाइप से आपको ये भी पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वो आ चुके हैं और इसी टाइप के प्रश्न और पूछे भी जा सकते हैं तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है तो जल्दी से बताइए कि बाला का पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है वो क्या होगी आंसर की बात करते हैं ऑप्शन वन टू तो थ्री फोर में से तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है वो बिल्कुल सही होगा यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग ये वाला आपका सही होगा देखिए इंग्लिश वाला देखने में गलत लग रहा है इसीलिए मैंने क्या कहा कि इंग्लिश वाले भी ऑप्शन जो है वो पढ़ लीजिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इसके बाद वाला है प्रश्न पूछेंगे हम आपसे और प्रश्न है आपका एट्टी नाइन की वैकल्पिक ढांचा जो है उसका क्या अर्थ है विभिन्न भौतिक जो घटनाएं हैं उनका पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण या फिर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है या फिर वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार या फिर सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं तो वैकल्पिक ढांचे तो ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा तो वैकल्पिक ढांचे का जो अर्थ है वो होगा दूसरा वाला आपका ऑप्शन कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक जो रूप है उससे स्वीकृत स्पष्टीकरण से जो है वो अलग है तो ये आपका हो जाएगा वैकल्पिक ढांचे जो है इसका अर्थ है। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए टोटल अब एक प्रश्न हम जैसे कि सभी वीडियो में आपसे पूछते हैं वो पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सर्च करके भी बालजी स्टेटा आप जुड़ सकते हैं देखते हैं हमारा वो प्रश्न जैसे कि ऑप्शन तो है, है, तीन है रूढ़िबद्ध धारणा ऑप्शन चार है अंधविश्वास तो ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से कौन सा सही होगा इस टाइप से बताइएगा क्योंकि ये टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है नब्बे का एक होगा नब्बे का दो होगा नब्बे का तीन होगा या नब्बे का चार होगा तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं नेक्स्ट जो इसके वाले पोर्शन है उसके साथ हम फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आज के में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके और लोग भी प्रैक्टिस कर सकें लाइव टाइमिंग है दोपहर के तीन बजे तो लाइव आकर भी वीडियो आप सी टेट के लिए देख सकते हैं और सुपर टेट के लिए इस समय टाइमिंग है शाम के आठ बजे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग